हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस, फाइनली इस वीक का AEW का रैम्पेज हो चुका है खत्म, जो कि WWE के स्मैकडाउन शो के साथ हेड टू हेड कंपटीशन के अंदर था। और गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ और हम इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के ऊपर क्या क्या चीजें होती हुई दिखाई दी। तो गाइस, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस, अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते ही इस वीक हुए AEW के रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ। और शुरुआत करते हैं इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के बाइन से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के लिए हमें एक बाइन शो देखने को मिलने वाला है, जो कि AEW ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर था। और फाइनली बाइन शो हो चुका है, जहां पर हमें इस बाइन शो के ऊपर भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया मैचेस देखने को मिले हैं। और AEW की इस वीक के रैम्पेज के बाइन शो की शुरुआत हुई AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल वन ऑन वन मैच से, जहां पर टैगोंटे सैंटाना गैरेट को फेस कर रही थी। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस, इस मैच की शुरुआत में दोनों फीमेल रेसलर एकदम संभाल कर लड़ रही थी और कई बार हमें इस मैच के अंदर सैंटाना गैरेट और टैगोंटे एक दूसरे के ऊपर सेम मूव्स लगाती हुई दिखाई दी, जिससे कि इस मैच के अंदर टैगोंटे और सैंटाना गैरेट दोनों एक दूसरे की मूव्स समझकर रिवर्स कर पा रहे थे। और इस मैच की शुरुआत में सैंटाना गैरेट ने इस मैच के अंदर थोड़ी देर तक डोमिनेट किया, लेकिन फाइनली टैगोंटे ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर सैंटाना गैरेट के ऊपर अपने काफी तगड़े मूव्स लगाए और फाइनली सैंटाना गैरेट के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि DDT लगाकर यहां पर सैंटाना गैरेट को पिन करके टैगोंटे ने मैच जीत लिया है, जो देखा जाए तो एक ठीक ठाक मैच था। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की लाइव वॉचिंग की, तो गाइस, यहां पर इस मैच की हाईएस्ट लाइव वॉचिंग गई थी 54,000 व्यूअर्स, जो देखा जाए तो AEW सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ठीक ही है। पर इसके बाद इस वीक के AEW रैम्पेज के बाइन शो के ऊपर हमें बॉबी फिश ली मोरियार्टी को फेस करते हुए दिखाई दी। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस, इस मैच की शुरुआत से बॉबी फिश इस मैच के अंदर अपनी काफी खतरनाक स्ट्राइकिंग का इस्तेमाल करके ये मैच रसल करना चाहते थे, पर किसी तरीके से ली मोरियार्टी बॉबी फिश को रोक कर रखे हुए थे। और इसी बीच हमें इस मैच के अंदर ली मोरियार्टी की तरफ से बॉबी फिश के ऊपर बहुत इनोवेटिव मूव्स देखने को मिले हैं, जहां पर ली मोरियार्टी ने बॉबी फिश के ऊपर ऐसे ऐसे मूव्स लगाए हैं जो कि मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे थे और प्रॉबली टाइगर स्टाइल रेसलिंग थी, क्योंकि ली मोरियार्टी टाइगर स्टाइल रेसलिंग करते हैं। और एक टाइम के लिए ली मोरियार्टी इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे, पर सडनली आउट ऑफ नोवेयर बॉबी फिश ने ली मोरियार्टी के ऊपर अपना WWE का फिनिशर लगाया, लेकिन फिर भी यहां पर ली मोरियार्टी ने इसके ऊपर किक आउट कर दिया, जो देखकर बॉबी फिश और क्राउड सरप्राइज हो चुका था। लेकिन फाइनली यहां पर बॉबी फिश ने ली मोरियार्टी के ऊपर रोप्स के थ्रू एक बॉडी स्लैम लगाया और आखिरकार यहां पर ली मोरियार्टी के ऊपर एक राउंड हाउस किक लगाकर यहां पर ली मोरियार्टी को पिन कर बॉबी फिश ने यह मैच जीत लिया है, जिससे हम कह सकते हैं कि इस वीक के AEW के रैम्पेज के बाइन शो के ऊपर बॉबी फिश ने अपना वार्म अप मैच जीत लिया है। तो देखना पड़ेगा कि जब कल के डायनामाइट शो के ऊपर बॉबी फिश का एक काफी बड़ा मैच होता है, तो इस मैच के अंदर बॉबी फिश की परफॉर्मेंस कैसी होती है। और हां, जहां तक बात है इस मैच की लाइव व्यूअरशिप की, तो गाइस, इस मैच की हाईएस्ट लाइव व्यूअरशिप गई थी 70,000 व्यूअर्स, जो देखा जाए तो पहले हुए विमेंस मैच से काफी बढ़िया ही है। पर गाइस, इसके बाद इस वीक के रैम्पेज के बाइन शो के ऊपर आखिरी मैच था ब्रायन डेनियलसन और मिनोरू सुजुकी के बीच में। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस, ये मैच मेरे लिए एक ड्रीम मैच है, क्योंकि यहां पर ब्रायन डेनियलसन जैपनीज लेजेंड यानी कि मिनोरू सुजुकी को फेस कर रहे थे। और जब इस मैच के पहले ब्रायन डेनियलसन और मिनोरू सुजुकी ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, तभी इस मैच में दिस इज ऑसम के चांस लगना शुरू हो चुका था, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि मैच कितना बढ़िया मैच था। और जब ब्रायन डेनियलसन और मिनोरू सुजुकी इन दोनों ने एक दूसरे के साथ एक लॉकअप किया, तभी हमें इस मैच में दिस इज रेसलिंग की चांस सुनने को मिली, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि मैच कितना बढ़िया मैच था। और इस मैच की शुरुआत से मिनोरू सुजुकी अपनी नेचुरल रेसलिंग स्टाइल यानी कि स्ट्राइकिंग से मैच रेसल करना चाहते थे, लेकिन यहां पर ब्रायन डेनियलसन भी अपनी नेचुरल रेसलिंग स्टाइल यानी कि टेक्निकल रेसलिंग स्टाइल के अंदर मैच रेसल कर रहे थे, जो देखकर सरप्राइजिंगली मिनोरू सुजुकी ने यह मैच एक टेक्निकल रेसलर की तरह लड़ना स्टार्ट कर दिया, जहां पर मिनोरू सुजुकी ब्रायन को पीछे छोड़ रहे थे, जो देखकर ब्रायन ने इस मैच के अंदर मिनोरू सुजुकी की रेसलिंग स्टाइल यानी कि स्ट्राइकिंग स्टाइल से मैच रेसल करना स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद हमें इस मैच के अंदर इन दोनों ही सुपरस्टार्स की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है, जहां पर मिनोरू सुजुकी और ब्रायन डेनियलसन ये दोनों ही अपने अपोनेंट की नेचुरल रेसलिंग स्टाइल के अंदर उन्हें हरा रहे थे। और इसी मैच में हमें कई बार मिनोरू सुजुकी और ब्रायन डेनियलसन एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़े स्ट्राइक्स लगाते हुए दिखाई दी, जहां पर मिनोरू सुजुकी स्ट्राइक्स देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि प्रॉबली यहां पर ब्रायन डेनियलसन पूरी तरीके से नॉकआउट हो चुके हैं। लेकिन फाइनली ब्रायन ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया और ब्रायन ने इस मैच के अंदर मिनोरू सुजुकी के ऊपर काफी तगड़े मूव्स लगाए और मिनोरू सुजुकी ने भी इस मैच के अंदर ब्रायन डेनियलसन के ऊपर काफी तगड़े मूव्स लगाए और ब्रायन ने कई बार इस मैच के अंदर अपना फिनिशर बेल लॉक भी लगाया, पर फिर भी मिनोरू सुजुकी ने ब्रायन डेनियलसन का फिनिशर रिवर्स कर दिया। और फाइनली इस मैच के आखिर में मिनोरू सुजुकी ब्रायन डेनियलसन के ऊपर अपना फिनिशर स्लीपर होल्ड लगाने के लिए जा रहे थे, पर ब्रायन डेनियलसन ने इसे रिवर्स कर दिया और आउट ऑफ नोवेयर ब्रायन डेनियलसन ने मिनोरू सुजुकी के ऊपर अपना फिनिशर रनिंग नी स्ट्राइक लगाया और यहां पर मिनोरू सुजुकी को पिन करके ब्रायन डेनियलसन ने यह मैच जीत लिया है, जो मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और गाइस, मैं तो कहूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप AEW की सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर जाकर पूरा का पूरा मैच देख ले। पर जहां तक बात है इस मैच के लिए लाइव व्यूअर्स की, तो गाइस, इस मैच के लिए सबसे हाईएस्ट लाइव व्यूअरशिप थी 98,000 व्यूअर्स, जो देखा जाए तो फिर एक बार AEW कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर बहुत ज्यादा है। पर ये सब तो हुए बाइन शो के मैचेस, लेकिन अगर यहां पर हम बात करें एक्चुअल रैम्पेज शो की, तो गाइस, इसके बाद AEW के एक्चुअल रैम्पेज शो की शुरुआत हुई, जहां पर हमें रैम्पेज शो की शुरुआत में CM Punk मैट सैडल को फेस करते हुए दिखाई दिए और दूसरी तरफ WWE के स्मैकडाउन शो का आखिरी कमर्शियल फ्री आधा घंटा स्टार्ट हो चुका था, इसलिए हमें AEW के रैम्पेज शो की शुरुआत में CM Punk और मैट सैडल का पूरा मैच ब्रेक फ्री देखने को मिला है और इस मैच के लिए भी कोई कमर्शियल ब्रेक नहीं था। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस, इस मैच की शुरुआत में CM Punk मैट सैडल को काफी हाई फ्लाई रेसलिंग करने से रोक रहे थे, इसलिए इस मैच की शुरुआत में मोमेंटम CM Punk के पास था, पर आखिरकार मैट सैडल लोब्स तक पहुंच गए, इसलिए मैट सैडल ने इस मैच के अंदर अपने हाई फ्लाई मूव्स के साथ डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया
और यहाँ पर मैट सैडल जल्द से जल्द सीएम पंक को इस मैच में पिन करके मैच जीतना चाहते थे, पर सरप्राइजिंगली आउट ऑफ नोवेयर सीएम पंक ने मैट सैडल के ऊपर एक बॉडी स्लैम लगाया, जो वैसे तो एक बहुत ही बेसिक रेसलिंग मूव है, पर इस बॉडी स्लैम के बाद सीएम पंक इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाए, जो देखकर क्राउड ने फिर एक बार सीएम पंक को मैट सैडल के ऊपर एक बॉडी स्लैम लगाने के लिए कहा और सीएम पंक भी क्राउड की बात मानने के लिए गए। लेकिन मैट सैडल ने इस बार रिवर्स कर सीएम पंक के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, पर इसी बीच सीएम पंक ने मैट सैडल के ऊपर एप्रोन के ऊपर एक पावर स्लैम लगाया, जिसके बाद सीएम पंक ने इस मैच के अंदर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर सीएम पंक क्राउड की बात मान रहे थे, इसलिए क्राउड ने फिर एक बार यहाँ पर सीएम पंक को एक मुंह लगाने के लिए कहा और इस बार क्राउड चाहती थी कि सीएम पंक अपना फिनिशर जीटीएस लगाए और फिर एक बार यहाँ पर क्राउड की बातें सुनकर सीएम पंक अपना फिनिशर जीटीएस लगाने के लिए गए, पर फिर एक बार मैट सैडल ने रिवर्स कर दिया और आखिरकार यहाँ पर मैट सैडल सीएम पंक के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन सीएम पंक ने रिवर्स कर दिया और मैट सैडल सीएम पंक के ऊपर एक क्रूसिफिक्स लगाने के लिए गए, लेकिन सीएम पंक ने इसे अपने फिनिशर यानी कि जीटीएस के अंदर कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पर मैट सैडल के ऊपर अपना फिनिशर जीटीएस लगाकर यहाँ पर मैट सैडल को पिन कर सीएम पंक ने मैच जीत लिया है, जो देखा जाए तो इस वीक के एब्ल्यू रैंपेज शो के ओपनिंग के हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया मैच था और अब देखना पड़ेगा कि मैट सैडल के बाद सीएम पंक का एब्ल्यू कंपनी का अगला अपोनेंट कौन होता है। पर ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर सीएम पंक और मैट सैडल इन दोनों ने एक दूसरे को रिस्पेक्ट दी, जैसे कि इन दोनों ने इस मैच से पहले दी थी, पर इसके बाद हमें एब्ल्यू रैंपेज शो के ऊपर द डार्क ऑर्डर के लिए बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला और यहाँ पर इस बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए डार्क ऑर्डर काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि फाइनली हैंगमैन एडम पेज एब्ल्यू शोज के ऊपर वापस आ चुके हैं और वो बन चुके हैं एब्ल्यू की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर वन कंटेंडर। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए जॉन सिल्वर ने कहा कि हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा के मैच के दौरान सुपर क्लिक इंटरफेयर करेगी, इसलिए यहाँ पर जॉन सिल्वर चाहते हैं कि सुपर क्लिक और डार्क ऑर्डर के बीच में एक मैच हो जाए, जिससे कि वो सुपर क्लिक को हैंगमैन पेज से दूर रख सके। जो बातें कहकर यहाँ पर जॉन सिल्वर ने डार्क ऑर्डर की तरफ से सुपर क्लिक यानी कि यंगबक्स और एडम कुल को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, तो देखना पड़ेगा किसके ऊपर यंगबक्स और एडम कुल क्या कहते हैं। पर इसके बाद एब्ल्यू के रैंपेज शो के ऊपर एब्ल्यू के विमेंस डिवीजन से रूबी सोहो बनी को फेस कर रही थी और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस यहाँ पर इस मैच के लिए दोनों सुपरस्टार्स के मन में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं थी, इसलिए मैच स्टार्ट होते ही रूबी सोहो और बनी इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और हमें इस मैच में इन दोनों सुपरस्टार्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं और बहुत देर तक ये मैच एक काफी बढ़िया बैक एंड फोर्थ एक्शन का मैच चला। पर फाइनली अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की तो गाइस यहाँ पर इस मैच के आखिर में जब रूबी सोहो टर्न बकल से ऊपर थी तो वहाँ पर बनी ने रूबी सोहो को फंसाकर रूबी के ऊपर एक काफी बढ़िया सुपर किक लगाई और वहीं से बनी ने रूबी के ऊपर एक काफी बढ़िया जर्मन सुपरलेक्स भी लगाई, पर फिर भी रूबी सोहो ने किक आउट कर दिया, जो देखकर बनी यहाँ पर काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और यहाँ पर बनी रूबी सोहो के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गई, लेकिन रूबी सोहो ने फिनिशर रिवर्स कर बनी के ऊपर एक बैकस्लाइड पिन किया और यहाँ पर बनी को पिन कर रूबी सोहो ने मैच जीत लिया है, जो देखा जाए तो बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट है जो कि मैंने प्रेडिक्ट किया था। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि रूबी सोहो ये मैच एक बैकस्लाइड पिन के सहारे जीतने वाली है। पर इसके बाद जब रूबी सोहो यहाँ पर अपनी जीत सेलिब्रेट कर रही थी तभी यहाँ पर फिनल पी फोर्ड आ गई और यहाँ पर आकर फिनल पी फोर्ड ने रूबी सोहो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इसके बाद फिनल पी रूबी को रिंग के अंदर ले गई, जहाँ पर बनी और फिनल पी ने मिलकर रूबी सोहो के ऊपर अटैक करते हुए एक नकल से रूबी सोहो के ऊपर अटैक किया। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर रूबी सोहो और फिनल पी फोर्ड और बनी के बीच में क्या क्या होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये राइवलरी अभी स्टार्ट हुई है। लेकिन गाइस इसके बाद एब्ल्यू ने अपने आने वाले डायनामाइट शो और अपने नेक्स्ट चैंपियनशिप शो के लिए कुछ मैच एडवर्टाइज किए, जो मैचेस कौन से है जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर आर्टिकल पढ़ सकते हैं। पर इसके बाद इस वीक के चैंपियनशिप के मेन इवेंट से पहले यहाँ पर मार्क हैंडी अमेरिकन टॉप टीम और इनर सर्कल का एक बैकस्टेज इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर बात करते हुए मार्क हैंडी ने अमेरिकन टॉप टीम से पूछा कि अमेरिकन टॉप टीम इनर सर्कल के ऊपर अटैक क्यों कर रही है और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए डैन लैम्बर्ट ने कहा कि वो यहाँ पर सिर्फ ये प्रूव करना चाहते हैं कि इनर सर्कल वीक है और अमेरिकन टॉप टीम स्ट्रॉन्ग और इसलिए अमेरिकन टॉप टीम इनर सर्कल के ऊपर अटैक कर रही है, जो बात यहाँ पर डैन लैम्बर्ट ने कही। पर जब मार्क हैंडी ने इसके ऊपर क्रिस जेरिको को रिप्लाई पूछा तो यहाँ पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि क्रिस जेरिको अपने फर्स्ट एवर रेसलिंग मैच से पहले काफी ज्यादा नर्वस थे, पर जेरिको की फैमिली उनके लिए काफी खुश थी और इसलिए जूनियर डेस सैंटोस की फैमिली उनके लिए काफी खुश होगी। पर यहाँ पर खुशियां सिर्फ वही मनाने वाले हैं, क्योंकि क्रिस जेरिको जूनियर डेस सैंटोस को डेब्यू मैच के अंदर हराने वाले हैं, जो बात यहाँ पर क्रिस जेरिको ने कही। जिसके बाद फाइनली टाइम हो चुका था इस वीक के एब्ल्यू के रैंपेज शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर अमेरिकन टॉप टीम यानी कि स्कॉर्पियोस का एथन पेज और जूनियर डेस सैंटोस मिलकर इनर सर्कल यानी कि क्रिस जेरिको सैमी गवेरा और जेक हेगर को फेस कर रहे थे और इस मैच की शुरुआत स्कॉर्पियोस का और सैमी गवेरा ने की, जहाँ पर इस मैच की शुरुआत में स्कॉर्पियोस का इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे। पर जब जेरिको इस मैच के अंदर टैग लेकर आ गए तब दूसरी तरफ से जूनियर डेस सैंटोस इस मैच के अंदर एक टैग लेकर आ गए और यहाँ पर जूनियर डेस सैंटोस क्रिस जेरिको को डोमिनेट कर रहे थे, जो देखकर जेक हेगर ने टैग ले लिया और यहाँ पर फॉर्मर यूएफसी फाइटर जूनियर डेस सैंटोस और फॉर्मर एमएमए फाइटर यानी कि जेक हेगर एक दूसरे के आमने सामने थे, जहाँ पर हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में बहुत ही बढ़िया फाइटिंग देखने को मिली है और अब की बार यहाँ पर जेक हेगर ने डोमिनेट किया और इसी फेस ऑफ के दौरान रिंग साइड पर खड़े हुए अमेरिकन टॉप टीम के बाकी मेंबर्स इस मैच के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे थे, जो देखकर क्रिस जेरिको उनकी तरफ गए और इसी बीच ईथन पेज ने क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक कर इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और आखिरकार एक काफी बढ़िया मैच के अंदर जब जूनियर डेस सैंटोस इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे तब क्रिस जेरिको ने किसी तरीके से सैमी गवेरा को टैग दे दिया और इसके बाद सैमी गवेरा ने इस मैच के अंदर आकर अपने बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूव्स लगाए, जैसे कि टॉप रोप कटर और एक स्पेनिश फ्लाई और इस तरीके से इस मैच के अंदर अपनी टीम का कमबैक करवाकर सैमी गवेरा ने क्रिस जेरिको को टैग दे दिया और इसके बाद क्रिस जेरिको ने स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर अपनी काफी बढ़िया मूव लॉयन शॉट लगाकर यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई को पिन किया, लेकिन ईथन पेज ने आकर पिन तोड़ दी और ये देखकर सैमी गवेरा ईथन पेज के ऊपर अटैक करते हुए रिंग के बाहर चले गए और जेक हेगर जूनियर डेस सैंटोस के ऊपर अटैक करते हुए रिंग के बाहर चले गए, जहाँ पर जूनियर डेस सैंटोस जेक हेगर के ऊपर एक टेबल के थ्रू पावर स्लैम लगाने के लिए गए, लेकिन जेक हेगर ने जूनियर डेस सैंटोस के ऊपर उसी टेबल के थ्रू एक काफी बढ़िया रॉक बॉटम लगा दिया, जिससे यहाँ पर सैमी गवेरा ईथन पेज जूनियर डेस सैंटोस और जेक हेगर ये चारों इस मैच से आउट हो गए और इनके अंदर स्कॉर्पियो स्काई क्रिस जेरिको के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, लेकिन क्रिस जेरिको ने रिवर्स कर अपने सबमिशन मूव यानी कि लायन टेमर के अंदर कन्वर्ट कर लिया, लेकिन तभी रिंग साइड पर बैठी हुई अमेरिकन टॉप टीम के एक मेंबर ने यहाँ पर आकर रेफरी को डिसाइड कर दिया और इसी का फायदा उठाकर
पर अमेरिकन टॉप टीम के दूसरे मेंबर ने क्रिस जेरिको के ऊपर एक काफी खतरनाक निस्ट्राइक लगाया और इसी का फायदा उठाकर क्रिस जेरिको को पिन कर स्कॉर्पियो स्काई ने अपने टीम के लिए मैच जीत लिया है, जो देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया मैच था। लेकिन गाइस मैच खत्म होने के बाद यहां पर आकर अमेरिकन टॉप टीम ने क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहां पर अटैक रोकने के लिए कोई और नहीं बल्कि सैंटाना और ओटिस आ गए, जो कि इनर सर्कल के दूसरे मेंबर थे। और यहां पर आकर सैंटाना और ओटिस ने स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज को अटैक कर दिया, जो देखकर अमेरिकन टॉप टीम रिंग के बाहर चली गई। और इसी तरीके से इस वीक का एब्ल्यू रैंपेज ऑफ चला गया, जहां पर अमेरिकन टॉप टीम ने अपना मैच जीत लिया है। पर इस वीक के रैंपेज के ऊपर लास्ट लाफ इनर सर्कल को मिली, तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर अमेरिकन टॉप टीम और इनर सर्कल के बीच में क्या क्या होता है। पर इसी तरीके से इस वीक का एब्ल्यू रैंपेज ऑफ चला गया, जिस शो के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। पर मुझे तो इस वीक का एब्ल्यू रैंपेज शो बहुत ज्यादा पसंद आया है और अब देखना पड़ेगा कि क्या इस वीक का एब्ल्यू रैंपेज शो डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन शो के साथ हेड टू हेड कंपटीशन कर पाया है या नहीं। लेकिन अगर आप अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। हे, डिड यू लाइक दैट वीडियो? क्लिक द स्क्रीन फॉर मोर। And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?